नमस्कार। टॉकपेज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मैं सुशील श्रीवास्तव, जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैं स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ प्रमुख वीरांगनाओं की और अन्य शहीदों की कहानियाँ जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हैं, ऐसी कहानियाँ लेकर के मैं आपके पास आऊँगा। उसी कड़ी में दूसरी कहानी कनकलता बरुआ की मैं लेकर के आज आपके बीच आया हूँ, तो सुनते हैं उनकी कहानी। भारत का स्वतंत्रता संग्राम प्रमुख रूप से पुरुषों के सर्वोच्च बलिदान को मान्यता देता है, लेकिन उस संघर्ष के दौरान बहुत बार ऐसा हुआ कि या तो पुरुषों की गिरफ्तारियां हो गईं या फिर उनको उनको वो शहीद हो गए। ऐसे मौक़ों पर हमारे देश की बहादुर वीरांगनाओं ने, महिलाओं ने आगे आकर के आंदोलन की राह पकड़ ली और उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। भारतीय इतिहास वैसे काफ़ी हद तक मुख्य रूप से तमाम मुख्य धारा की महिलाओं को प्रतिबंधित करता रहा है, तो ऐसे में जैसे अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और अन्य इस प्रकार की महिलाओं को चित्रित किया गया है, लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं छूट गई हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपना जीवन का सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। ऐसी ही एक कहानी है कनकलता बरुआ की, जो कि आसाम की रहने वाली थी। अगर आप आसाम के इतिहास पर नज़र डालें तो शायद कहीं आसाम के इतिहास में आपको एक छोटा सा पैराग्राफ उनकी किताबों में पढ़ने को आपको मिल जाएगा तो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट पर खोजने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, बहुत सीमित जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन असमिया इतिहास के उन खोए हुए पन्नों से इस कनकलता बरुआ की कहानी भी बहुत ऐसी है कि जिसे याद किया जाना, इससे प्रेरणा लिया जाना बहुत आवश्यक है। कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के सोनितपुर जिले के गोहपुर सब डिवीज़न के बारंगबाड़ी गांव में हुआ था। उनके पूर्वज पूर्ववर्ती अहोम राज्य के दोलखरिया बरुआ साम्राज्य में रहने वाले थे। उनके पिता बेसिकली एक किसान थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा बारंगबाड़ी स्कूल में ही हुई थी। 5 साल की उम्र में उनके माता और पिता दोनों का देहावसान हो गया और शायद इतनी कम उम्र में उनके माता पिता का देहावसान और अनाथ हो जाने के कारण उनकी उनको बहुत सारी जिम्मेदारियों का जो बोझ उठाना पड़ा, उसकी वजह से उनके उनके दिमाग में बहुत तरह की विचारधारा पनपने लगी और जिसे वे पूरा करने का प्रयास करने लगी, क्योंकि जीवन यापन के लिए संघर्ष करने में जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो शायद एक सामान्य जीवन जीने में नहीं आती हैं। और इसी दिशा में, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो उनका मन होता था कि मैं स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लूँ। लेकिन और 17 साल की उम्र आते आते उन्हें इस बात पर पूरी तरह विश्वास हो गया था कि मेरा जीवन स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए बना है, और इसीलिए उन्होंने जो है सोचा कि मैं आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन करूंगी। लेकिन नाबालिग होने के कारण वो आज़ाद हिंद फौज में शामिल नहीं हो पाई। लेकिन उस समय बहुत से ऐसे छोटे छोटे समूह थे जो हर तरह से कोशिश करते थे कि किसी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को शामिल किया जाए। ऐसे समय में एक वहाँ पर नृत्य वाहिनी नाम का एक समूह था। नृत्य वाहिनी जो थी वो उसका मतलब था डेथ स्क्वाड, करो या मरो उसका नारा था। यही नृत्य वाहिनी में शामिल होने के लिए कनकलता बरुआ पहुंच गई उनके दफ्तर में और दरख्वास्त दी कि मुझे शामिल करिए, मैं इसमें शामिल होना चाहती हूँ। समूह ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके उन्हें जो है सुलूस में शामिल कर लिया और उन्हें जो महिला विंग थी यूथ ब्रिगेड की, उनमें शामिल करके उन्हें उसका लीडर बना दिया। इसी बीच 9 अगस्त 1942 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी देश की स्वतंत्रता के लिए करो या मरो का नारा दिया, और ऐसे में क्रांतिकारी जो वहाँ के एक लोकल क्रांतिकारी थे ज्योति प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में दारंग जिले में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के रूप में वहाँ के दरबार और थाने पर तिरंगा फहराने का एक संकल्प लिया गया।
कनकलता बरुआ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के उद्देश्य से गठित स्वयंसेवी दल में अपना नाम दे दिया। 20 सितंबर 1942 को गोहपुर क्षेत्र के क्रांतिकारी खेमे ने स्थानीय पुलिस स्टेशन पर जब राष्ट्रीय ध्वज फहराने का फैसला किया, कनकलता अपने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर के मृत्यु वाहिनी की नेता के रूप में अपने साथियों के साथ सबसे आगे चल रही थी और जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। जब वो आगे बढ़ रही थी थाने की तरफ, तब पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी कि आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि आपके आगे बढ़ने पर हमें गंभीर कार्रवाई करनी पड़ सकती है। उन्होंने धमकी तक दी कि यदि आप हमारी चेतावनी को नज़रअंदाज करेंगी और नहीं सुनेंगी तो वे गोली मारना शुरू कर सकते हैं, गोली चला देंगे। इस पर कनकलता बरुआ ने कहा कि आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। तो कनकलता बरुआ के तमाम साथी और मृत्यु वाहिनी के सदस्य थाने की ओर बढ़ने लगे। कनकलता बरुआ समूह के नेता के रूप में जो राष्ट्रीय ध्वज धारण कर रही थी उसका नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रही थी। बिना विचलित हुए जो है जुलूस आगे बढ़ता रहा और चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ता रहा, पर पुलिस को भी अपना कार्य करना था। पुलिस ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक नेता के रूप में झंडा पकड़े हुए गोली खाने के बाद भी वो आगे चलती रहीं, मगर कुछ देर के बाद गिर गईं। और जब गिर गईं तो भी उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को गिरने नहीं दिया और अपने हाथ में थामे रहीं और ये सुनिश्चित करती किया कि जब तक के उनकी दूसरी सदस्य साथी मुकुंद काकोटी आकर के उस तिरंगे को संभाल नहीं लेती हैं, तब तक वो अपनी जीवन की रक्षा करती रहेंगी। और उन्होंने ऐसा किया और दूसरी सदस्य मुकुंद काकोटी ने झंडे को जैसे ही थामा वैसे ही पुलिस ने उनको भी गोली मार दी। अंततः दोनों जो हैं गिर गईं। और लेकिन गिरने से पहले कनकलता बरुआ ने आखिरी सांस लेते हुए भी बड़ी जोरदार उच्च स्वर में कहा, आप हमारे मानव शरीर को तो मार सकते हैं लेकिन हमारी लोहे जैसी आत्मा को नहीं मार सकते। वो अंग्रेज़ों, आप हमें रोकने के लिए जो भी उपाय अपनाएंगे वह विफल होगा। हम आगे भी इस संघर्ष को जारी रखेंगे। हमें पुलिस चौकी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा हुआ भी। कनकलता और मुकुंद दोनों पुलिस की गोली में शहीद हो गईं, लेकिन उनका सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं गया और अंततः तिरंगे को थाने के ऊपर फहरा दिया गया। और इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन में आग में घी का काम किया और वहाँ पर तमाम लोग इस तरह के आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगे। मृत्यु वाहिनी के इस वीरतापूर्ण कार्य ने भारत के संकल्प को भी बहुत मजबूत कर दिया और जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद पकड़ हमारे देश पर थी वो कमज़ोर होने लगी और अंततः 15 अगस्त 1942 को हमारा देश आज़ाद हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके वीरता के सम्मान के रूप में तमाम फैसले किए जाने थे, लेकिन किए जाने चाहिए भी थे, लेकिन तमाम आई हुई तमाम सरकारों ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और 77 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु के 1942 में उनकी मृत्यु के 77 वर्ष के बाद भारत की वर्तमान सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय किए। उन्होंने निर्णय किया कि इस प्रकार जो हमारे देश के तमाम अनसंग हीरोज हैं या वीरांगनाएं हैं उनके नाम पर कुछ विशेष चीज़ों का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। ऐसे ही क्रम में जो एक भारतीय तटरक्षक बल का फास्ट पेट्रोल वेसल था ICGS, 1997 में उसे जो है वो पानी में उतारा गया था, उस वेसल के नाम पर कनकलता बरुआ के नाम पर उसका नामकरण कर दिया गया। और हो सकता है कि उसकी कहानी को बताने के लिए इतिहासकार आपको न मिलेंगे, क्योंकि ऐसी कहानियाँ इतिहासकारों को पसंद कहाँ आती हैं, लेकिन कनकलता बरुआ का यह बलिदान, किशोरावस्था में दिखाई गई उनकी वीरता और साहस हमारे देश के बहुत सारे युवा लोगों को प्रेरणा देता रहा है और आगे भी देता रहेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। इसी बीच में चूंकि
जब इस भारतीय तटरक्षक बल के इस फास्ट ट्रैक पेट्रोल वेसल का नाम कनकलता बरुआ के नाम से किया गया, तो उससे प्रेरित होकर के आसाम की ही एक 17 वर्षीय बालिका अस्मिता पाल थी, उसने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिसमें कनकलता बरुआ भी शामिल थी, को उनके बारे में, उनकी वीरता के बारे में भारत सरकार कुछ रिसर्च करे और रिसर्च करके ऐसे 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 लोगों की कहानियाँ जो कि बहुत ही प्रेरणा देती हैं उसे समाज के सामने लाए, पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, समाज में उनके उनको इज्जत बख्शी जाए, ताकि जो है आज का युवा जो है उससे प्रेरणा ले सके। मैं यही कह सकता हूँ कि वर्तमान सरकार इस बारे में बहुत कार्य कर रही है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी न किसी दिन कनकलता बरुआ और उनके तमाम साथियों की और इस प्रकार के अन्य तमाम अनसंग हीरोज़ की कहानियाँ हमारे स्कूल के पाठ्यक्रमों में शामिल की जाएंगी, ताकि जो बच्चे नीचे से पढ़ करके ऊपर आएंगे और युवावस्था को प्राप्त करते करते उनके अंदर देशभक्ति और देश की सेवा का जो जज्बा बनेगा, वो अंततः हमारे देश की किस्मत पलटने में बहुत सहायक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार भी इस मामले में उचित कदम उठाएगी, और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कृपया यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।